ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में तमाम पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी कह दिया है कि वो अपनी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। मतलब मेट्रो में बैठने के लिए जितनी सीटें मौजूद होती हैं उससे आधे ही लोग अब सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तस्वीरें कैसी हैं कि लोग मेट्रो स्टेशन में दाखिल होने के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। लंबी कतारें, लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, दोनों तरफ ये लाइन लग चुकी है। हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लाइन है वो अब लगभग 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तमाम लोग इसी लाइन में लगे हुए हैं। ये ऑफिस का वक्त है और लोग अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के चलते दिल्ली मेट्रो ने ये साफ़ कर दिया है कि जिस तरह से पहले 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो चल रही थी अब वो नहीं हो सकता। जितनी सीटें हैं उसकी आधी संख्या में ही लोग सफ़र कर सकते हैं और मेट्रो में लोग खड़े होकर भी अब सफ़र नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को ये बात पता नहीं थी और ये भी वजह है कि लोग परेशान हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर नहीं आए हैं। मेट्रो ने ट्वीट भी किया था कि आप अपनी यात्रा के लिए एक्स्ट्रा समय लेकर चलें क्योंकि तमाम पाबंदी लागू होंगी। फिलहाल लोग यहाँ परेशान होते ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस लगातार दिल्ली NCR में बढ़ रहे हैं वो परेशान करने वाली बात है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोग एहतियात बरतें, लेकिन एहतियात अब भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाइन मेरे दोनों तरफ है, लेकिन आपको लाइन में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। लोग अभी सटकर खड़े हुए हैं, मतलब आम लोग अभी भी जागरूक होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और यही बात परेशान करने वाली है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।